हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे फूडी तड़का चैनल में, जहां मैं आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज, ब्लॉग्स और कुछ रिव्यूज लाते रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मीशो हॉल पे, जो कि एक एक करके मैं आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखाती जाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा वर्थ है और कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आपको एक लास्ट में बोनस दे सकूँ। So stay tuned। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा लड्डू गोपाल का ड्रेस, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी राखी आ रही है, फिर जन्माष्टमी आएगी, तो हमारे लिए जितनी जरूरी है वैसे हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी तो है। तो इसीलिए मैंने ये एक साथ दो मंगवाया था, जो कि मैंने ओपन भी कर लिया, आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो और चेक भी करना पड़ता है ना, सो इसलिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने मंगवाया था येलो कलर में, तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और इसमें एक साथ में फ्री गिफ्ट भी दिया उन्होंने, जो आई थिंक ये माला ही है, लड्डू गोपाल की छोटी सी माला। यस, यू कैन सी इट। ओके, देन दिस इज मुकुट, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये लड्डू गोपाल का माला है और ये हमारे लड्डू गोपाल का ड्रेस, जो कि बहुत प्यारी है, और ये 4 नंबर की ड्रेस है। मेरे लड्डू को तो 5 नंबर की आती है, लेकिन मैं आज उनके लिए 4 नंबर की, सॉरी 4 नंबर की मैंने ऑर्डर की, और मैं सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसकी क्वालिटी, इसका इसका कुंदन वर्क है, आप देख सकते हैं पूरा कुंदन वर्क है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगी। एंड सेकंड हमारा है सावन के लिए, जो कि अभी आप जानते हैं सावन चल रहा है, तो इसलिए मैंने उनके ग्रीन ग्रीन मंगवाया है। सो इसे भी देखते हैं, इसकी भी क्वालिटी मुझे बहुत प्यारी लगी। बस इसमें ये था कि इसमें उन्होंने माला नहीं दिया, जैसे इसमें ये वाला माला दिया था ना, उन्होंने माला नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मुकुट और उनका ड्रेस भेजा है, जो कि ठीक है, प्राइस रेंज में भी अच्छा है, और मैं बताऊंगी कि इसका प्राइस भी क्या है। देखिए, ये भी आपको फुल वर्क में, हेवी वर्क में है, बहुत प्यारी लगी मुझे ये ड्रेस। और इन दोनों की प्राइस मुझे लगभग 850 पड़ी, और अलग अलग प्राइस अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिस्प्ले में लगा दूंगी। ओके, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने तो नेक्स्ट ये प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग खुली हुई है, क्योंकि मैं सब चीज चेक कर लेती हूँ, ताकि अगर कुछ खराब रहा तो मैं हैंड टू हैंड उन्हें रिटर्न कर सकूँ। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम से ओपन करते हैं, जो कि ऑलरेडी ओपन है। तो ये मैंने मंगवाया था लोटस का वॉल हैंगिंग, जो अभी राखी आ रही है, तो इस पर्पस से भी कि थोड़ा होम डेकोर हो जाएगा, तो इस कारण से देखिए कितनी प्यारी है। मीन्स मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इतनी प्यारी आएगी और इतनी अच्छी क्वालिटी में आएगी। एक्चुअली इसकी पैकिंग भी बहुत खूबसूरत थी, मैंने खोल दी इसलिए बिगड़ गई। तो इसमें मुझे 2 मिली है, ये देखिए मुझे 2 मिली है इसमें, और ये मुझे 170 की आई है 2 पेयर में। कि अगर आप अपने घर के दरवाजे पे या मंदिर पे अगर आप लगाओ तो ये बहुत खूबसूरत सी लगेगी। और इसमें मुझे कुछ ऐसा थैंक यू नोट भी मिला था, तो ओके इट्स गुड, और या आई एम हैप्पी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये 2 तरीके का चॉपर, जो आप देख सकते हैं, ये एक आता है थ्रेड चॉपर में और एक आता है ये आपको पुश चॉपर में। तो इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेटर है, कौन सा प्राइस रेंज के हिसाब से सही है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपको थ्रेड चॉपर की, जो कि यूजुअली आपको सब घर में मिलेगा, और उसमें साइजेस भी आते हैं, इससे छोटी भी आती है, इससे बड़ी, ये
बीच वाली साइज है शायद, और इससे एक बड़ी भी आती है या तो यहाँ पे हुक रहता है जिसमें हमें ये अटकाना होता है ताकि ये लॉक हो जाए और ये निकले नहीं। और इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं और इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं जो कि ये एक नॉर्मली हमारे सब्जियाँ चॉप करने के लिए होती हैं, जो बारीक करने के लिए होती है, और दूसरी हमें ये मिलती है, ये हमें ऑमलेट बनाने के लिए मिलती है। बट जो ऑमलेट खाते हैं उनके लिए यूज़फुल है, बट मैं नहीं खाती तो मैं इसे लस्सी बना सकती हूँ। आइडिया भी अच्छा है कि इससे हाँ लस्सी बन सकती है। और एक आती है ये स्टील के ब्लेड्स होते हैं बट ये बहुत शार्प होते हैं, और इसमें बस मुझे ये थोड़ा सा लगा कि ये ढीली सी होती है, थोड़ी हल्की होती है, तो अगर आप इसे ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये टूट भी सकती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और ये मुझे यूज़फुल लगी। और मेरे पास इससे छोटी वाली थी पहले से, बट मुझे बड़ी चाहिए थी इसलिए मैंने बड़ी भी ऑर्डर कर ली। बट छोटे वाले में क्या होता है ना, छोटे वाले हो या बड़े वाले हो, आप कभी भी ना इसके जब भी आप इसको चॉप करो तो आप ऐसे डाउनवर्ड मत करो, हमेशा अपवर्ड करो, क्योंकि डाउनवर्ड करने से क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कट रहा है ना, ये आप देख सकते हो ये यहाँ से कटने लगा है, तो ये क्या होगा कि आपका ये कटते कटते ये पूरा ही नीचे तक आ जाएगा, तो इसलिए आप इसको अपवर्ट करो ताकि ये आपका खराब भी ना हो जल्दी। नाउ नेक्स्ट हमारी है ये पुशअप चॉपर। तो पुशअप चॉपर में ये हमारे पास इधर लॉक होती है और ये इसका हैंडल बोल सकते हैं कि आप इसे अलग करके आप इसे वॉश कर सकते हो, क्योंकि आप तो ये देखिए यहाँ से ये ऐसे हम लोग ओपन करते हैं तो ये हमारा ऐसे यहाँ से ओपन हो जाता है, और जिससे कि हम ये शॉक करते हैं। इसमें भी वही है, यहाँ पे हुक रहता है जो कि आपको ये मिला के आपको हुक लगाना होता है, अदरवाइज ये नहीं लगेगा, और इसे भी मिलाना पड़ता है। ये भी बड़ी साइज वाली है और इसके भी ब्लेड्स वैसे ही हल्के से हैं, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप इससे बेटर आप ये लो, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आप अगर इसमें बड़े पीसेस अगर रख दोगे ना चॉप करने के लिए, तो आपको ये बार बार शेक करना पड़ेगा, जो आपको बहुत दिक्कत होगा। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये लो, इससे बेटर आप ये वाला ले सकते हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और आपको जब भी इसे लॉक करना हो तो आप इसको पहले नीचे पुश कीजिएगा एंड देन इस बटन को आप इधर स्लाइड कर दीजिए, तो ये लॉक हो गया हमारा सिंपल। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं ग्लास का जार है जो हमारे किचन के लिए बेसिकली बहुत यूज़ आता है, और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक ये अंदर से भी अच्छी हो। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ओह वाह, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर प्लास्टिक में आया है और आप देख सकते हैं ये प्रॉपर ग्लास है, शीशा है ये। एक आती है प्लास्टिक वाली तो वो बहुत कमज़ोर होती है, वो कभी भी चांस उसका बहुत ये है कि वो फट जाता है लिटरली बताएं तो, और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। बट ग्लास ऐसा है कि आप इसको बहुत इजीली वॉश भी कर सकते हैं, अगर इस पर कुछ स्टेन लगा भी तो इजली वॉश हो जाएगा। और ये ऐसे इसकी ओपनिंग होगी ऊपर से कि आप अगर चपाती पे अगर तेल घी लगा रहे हैं तो इससे आप लगा सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर सिलिकन की है, देखिए इसके ब्रिसल्स एकदम सिलिकन के हैं, काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्राइस रेंज के हिसाब से भी अच्छा है, और ये आपको 250 ml का आता है। इससे मेरी बड़ा भी आता हो आई डोंट नो, वो आप चेक कर लीजिएगा, बट मुझे तो 250 ml की ही मिली और ये मुझे 170 rupees की पड़ी, या 170। चलिए मैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये आप ले सकते हैं, वर्थ है लेना। ये नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है
मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि इसमें क्या है, तो आपके सामने ही मैं ओपन करूंगी और मैं देखूंगी कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो चलिए देखते हैं। ओके, इसमें हमारा बॉल मेकर है। जैसे आप कोई पकोड़ी वगैरह बनाते हो या जो नॉनवेज खाते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि अगर उसकी पकौड़ियाँ बनानी हो तो ये बहुत यूज़ आती है। कि ऐसे आप अगर हाथ से डालोगे तो वो हाथ आपका बहुत गंदा हो जाएगा, तो इससे आपकी बहुत इजीली पकौड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये मुझे अच्छा लगा और ये आपको ओनली 100 रुपीज़ की आएगी। और ये प्लास्टिक की है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मोटी है, तो आप इसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट है मेरे ये गोल्डन स्पून्स और ये बॉटल ब्रश, जो बॉटल साफ करने के लिए ब्रश होते हैं ना, ये वो है। और ये गोल्डन स्पून्स आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी रील्स में, कुकिंग के लिए ये बहुत यूज़ आता है। और ये मुझे काफ़ी ट्रेंडिंग लगा तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मंगवा लूँ। ये मुझे 115 की पड़ी। यस, और ये मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ की आई। ये भी काफ़ी अच्छी है, ये प्रॉपर सिलिकन है, ये भी आप देख सकते हैं। तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए और मैं कहूँगी कि आप भी ले सकते हो। और अगर आपका भी कोई कुकिंग चैनल है तो आप इस स्पून्स को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्टाइलिश लगती है जब आप वीडियो में इसे यूज़ करते हैं ना मसाले के लिए, तो बहुत अच्छी लगती है। पर नेक्स्ट है हमारा ये नॉन स्टिक ग्रिल पैन, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं पूरा मेरे एक बित्ता हाथ का आ रहा है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। आप इसमें पनीर टिक्का ये सब बनाएंगे, बहुत अच्छे से वो ग्रिल हो जाएगा। इसका टेक्सचर भी पीछे का ऐसा है जो काफ़ी अच्छी है, और ये आपको इंडक्शन पे भी यूज़ हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और प्राइस रेंज के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका प्राइस है आपको 270। मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस, बीच बीच में भी लगा दूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में बोनस भी दूंगी, तो यस मैं आपको दूंगी, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है मेरा बोनस आइटम जो मुझे मीशो से फ्री में मिला है। ये हैंड ग्लव्स है। यस, आप देख सकते हैं ये मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। ये हैंड ग्लव्स है, आप इससे अपने किचन के आइटम्स वॉश कर सकते हैं, डस्टिंग के लिए काम आ सकती है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और ये मुझे फ्री में कैसे मिला, तो ये आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।